बहुत ज्यादा लटक चुकी है, लूज हो चुकी है फार्मूला क्रीम यूज करने की वजह से या फिर किसी भी वजह से आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेस पैक आपकी स्किन को टाइट करता है, साथ में आपकी स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। इसमें हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो तमाम चीज़ें नेचुरल हैं और नेचुरल तौर पर यह आपकी स्किन पर वर्क करता है। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग तो देता ही है, साथ में आपकी स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइन्स दाग धब्बे जितनी भी प्रॉब्लम होती है तमाम प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कोरियन फेस पैक बहुत ज़्यादा वायरल है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज सब जानते हैं कि कोरियन फेस पैक जो है बहुत ज़्यादा वायरल है और उसको जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करे, स्किन शाइन करे। कोरियन स्किन पाने के लिए बहुत से फेस पैक यूज़ किए जाते हैं। एक ज़बरदस्त सफ़ेद फेस पैक शेयर करूंगी जो कोरियन फेस पैक है और आपकी स्किन को ग्लास की तरह चमकाएगा और साथ में जो है आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी। तो आइए जल्दी से हम इस फेस पैक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और दो तीन चीज़ों से ही बनकर रेडी हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर खाली बाउल। हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा। तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें राइस फ्लोर का ऐड करना है। राइस फ्लोर आप सब जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। ये हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है, स्किन को वाइटनिंग देता है और राइस फ्लोर को कोरियन फेस पैक तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइस फ्लोर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, स्किन को और साथ साथ हमारी स्किन को ये टाइट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारी स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। यह हमारे स्किन को टाइटनिंग देता है, स्किन को टाइट करता है, झुर्रियाँ और रिंकल्स वगैरह जो हमारे स्किन पर होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए हनी यानी कि शहद। आपने जो है 1 टेबल स्पून इसमें हनी का ऐड करना है। जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो तमाम चीज़ें नेचुरल हैं और आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क यानी कि दूध। आपने जो है 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें मिल्क का ऐड करना है। तो कोशिश करें आप इसमें रॉ मिल्क ऐड करें। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद आपका ये ज़बरदस्त सा फेस पैक बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जो है आपका इस तरीके का ये जो है फेस पैक बनकर रेडी हो जाएगा और आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। ख्याल रखें कि आपने इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना, आपने जो है इसी फॉर्म में इसको रखना है और इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। लेकिन आपने जो है पहले फेस को अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद ही आपने इस फेस पैक को लगाना है और लगाने के बाद जो है आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अभी तक जो है ड्राई हो जाएगा और उसके बाद जो है आपने अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है। करने से ये होगा कि आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट वगैरह होगी, गंदगी होगी, वो रिमूव हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने राइस फ्लोर ऐड किया है। वो हमारी स्किन से डस्ट को रिमूव करने के लिए, स्किन को वाइटनिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप भी अपने और बहुत ही आसानी से ये बनकर रेडी हो जाता है, 2-3 चीज़ों से ही ये रेडी हो जाता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। आपकी स्किन पर रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, साथ में अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं तो आप इसका हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल लाजमी करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तमाम चीज़ें मैंने इसमें जो ऐड की हैं वो नेचुरल हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। आप ईजीली होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।